सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी एजुकेशन विद आशीष को और कर दीजिए इस बेल आइकन को एक्टिवेट ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज मैं लेके आया हूँ चंद्रवंश से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 3 क्वेश्चन है। इसमें हम आज टोटल जो हमारे 150 क्वेश्चन है ये कम्प्लीट हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीरीज में 100 क्वेश्चन तक यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करेंगे 101 से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, वह कौन सा चंद शासक था जो नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से कुमाऊँ लेकर आया था? तो देखिए दोस्तों, वो ज्ञानचंद सेकंड था जो नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से कुमाऊँ लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस चंद शासक ने 1000 गायों का दान किया जिस कारण उसे गो सहस्रदान कहा जाता था? तो देखिए दोस्तों, वो जगत चंद था जिसने 1000 गायों का दान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कुमाऊँ में किस चंद शासक के शासन काल को स्वर्णिम काल कहा गया है? तो जो जगत चंद है इनके जो शासन काल है इसको स्वर्णिम काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस चंद वंश का वह शासक कौन था जिसने कुमाऊँ में चंदों का राज्य विस्तार किया तथा स्वयं अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ? तो देखिए दोस्तों, वो रुद्रचंद था जो अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चंद वंश के किस शासक का एक अन्य नाम नारायण भी था? तो देखिए दोस्तों, जो बाज बहादुर है इनका एक अन्य नाम नारायण भी था। नेक्स्ट यहाँ पे, किस चंद शासक ने फतेह शाह को हराया था? तो जो जगत चंद थे इन्होंने फतेह शाह को हराया था। नेक्स्ट यहाँ पे, मुस्लिम इतिहासकारों ने चंदों के राज्यों को क्या कहा था? तो जो मुस्लिम इतिहासकार थे इन्होंने चंदों के जो राज्य थे इसको कुमाऊँ का था, कुमाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस चंद शासक को कुमाऊँ का जमींदार भी कहा जाता है? तो जो बाज बहादुर चंद है इन्हें कुमाऊँ का जमींदार भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, रुद्रचंद के सेनापति का नाम क्या था जो कत्यूरी राजा से बांधवगढ़ युद्ध में मारा गया था? तो देखिए दोस्तों, जो रुद्रचंद के जो सेनापति थे जिनका नाम पुरुषपन था, ये कत्यूरी राजा के से बांधवगढ़ के युद्ध में मारा गया था, ठीक है। तो उसका नाम था पुरुषपन। नेक्स्ट यहाँ पे, किस चंद शासक ने डोटी शासक नागमल को हराया था? तो वो रत्नचंद था जिसने डोटी शासक नागमल को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस चंद शासक ने कीर्तिपुर शहर जिसको अब हम जसपुर के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना की थी? तो वो थे कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने क्या किया था? कीर्तिपुर शहर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस चंद शासक ने मुगलों की चुनौती मिली थी? ठीक है, तो वो भीष्मचंद थे जिनको मुगलों की चुनौती मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पे, किस चंद शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी चंपावत से खगमरा कोट ले जाने की सोची? तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले जो सोचा था वो भीष्मचंद थे जिन्होंने सोचा कि हम अपनी राजधानी चंपावत से खगमरा कोट ले जाएं, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु कर दी जाती है, तो ये अपनी राजधानी चंपावत से खगमरा कोट नहीं ले आते हैं। बाद में इनका जो पुत्र होता है बालो कल्याणचंद, ये क्या करता है कि अपनी राजधानी चंपावत से खगमरा कोट ले जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले किसने ले जाने की सोची थी तो वो भीष्मचंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा चंद शासक संस्कृत का विद्वान था? तो जो रुद्रचंद थे ये संस्कृत का विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस चंद शासक ने आलमनगर शहर जिसे अब अल्मोड़ा कहते हैं की स्थापना की थी? तो जो यहाँ पे बालो कल्याण चंद है इन्होंने आलमनगर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पे, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो जो सोमचंद है इन्हें मौलिक पुरुष भी कहा जाता है। किस चंद शासक ने चंदों को राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित किया था? तो वो थोर चंद थे जिन्होंने चंदों को राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित किया था, और इसीलिए कई जो यहाँ पे उत्तराखंड के जो इतिहासकार होते हैं वो थोर चंद को चंद वंश का वास्तविक संस्थापक इसीलिए मानते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जितने भी चंद की जो राजनीतिक शक्ति है इसको विकसित किया था। नेक्स्ट यहाँ पे, किस चंद शासक ने डोटियों से 12 वर्ष तक संघर्ष किया था? तो वे भारतीय चंद थे जिन्होंने लगातार डोटियों से 12 वर्ष तक संघर्ष किया था।
नेक्स्ट टॉपिक, किस चंद शासक ने रेशम के व्यापार के लिए चीन से संबंध बनाए थे? तो जो इंद्रचंद थे, इन्होंने ही जो रेशम का व्यापार है इसके लिए चीन से संबंध बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस चंद शासक को सोर जिसे पिथौरागढ़ कहते हैं, अब ये जो सोर वाला क्षेत्र है तो इसको सोर का विजेता माना जाता है, मतलब जो पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है जिसमें जो सोर आता है इसका विजेता किसे माना जाता है, तो वो ज्ञानचंद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस चंद शासक को बद्रीदत्त पांडे ने अपनी पुस्तक कुमाऊं के इतिहास में कुमाऊं का तुगलक कहा है? तो वो देवी चंद है, जिनको ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बद्रीदत्त पांडे ने कहा है और किसमें कहा है, अपनी जो बुक है कुमाऊं का इतिहास इसमें क्या कहा है, कुमाऊं का तुगलक किसे कहा है, तो देवी चंद को। नेक्स्ट यहाँ पे, किस चंद शासक ने 1000 गायों को दान दिया तथा 6 बार तुला दान दिया था? तो वो देवी चंद। देखिए तुला दान का मतलब ये होता है कि देवी चंद एक अपने जो पलड़ा होता है उस पर बैठ करके और अपने वजन के बराबर इसने सोना दान किया था, ठीक है, कितनी बार, 6 बार, ठीक है, और कितनी 1000 गायों का दान दिया था, किसने, देवी चंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस चंद शासक को कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री के यौतुक दहेज में चंपावत दिया था? तो देखिए दोस्तों, वो जो ब्रह्मदेव थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि यौतुक का मतलब होता है दहेज, तो किसको दिया था, तो वो सोमचंद थे जिनको दहेज के रूप में चंपावत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चंद वंश का शासक देवी चंद ने अपना सेनापति किसे बनाया? तो जो चंद वंश का जो शासक था देवी चंद, इसने अपना सेनापति दाऊद खां को बनाया था, जो कि एक मुस्लिम सेनापति था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस मंत्री ने चंद शासक देवी चंद को लूटने का काम किया था? तो देखिए दोस्तों, जो देवी चंद थे, देवी चंद के जो शासक थे, जो देवी चंद, इनके जो शासन में जो यहाँ पे जो मंत्री थे मानिक गौड़ और पूरनमल, इन्होंने ही क्या किया था कि देवी चंद को लूटने का प्रयास किया और इनको लूटते रहे, और इन्होंने ही क्या करा था, बाद में देवी चंद की इन्होंने ही हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट यहाँ पे, चंद वंश का कौन सा शासक अनपढ़ था? तो देखिए, जो कल्याण चंद चतुर्थ थे, ये चंद वंश का अनपढ़ शासक था। नेक्स्ट यहाँ पे, कौन सा चंद राजा शराब में डूबा रहता था और खा पीकर सोता रहता था, जिस कारण उसे कुंभकर्ण कहा जाता था? तो वे कल्याण चंद चतुर्थ थे, जो बहुत ज्यादा शराब पीते थे और खा पीकर हमेशा सोए रहते थे, इसलिए इन्हें कुंभकर्ण कहा जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद वंश में किस राजा को कुंभकर्ण कहा जाता है, तो वो कल्याण चंद चतुर्थ है। नेक्स्ट यहाँ पे, कौन सा चंद शासक गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह के शरण गया था? तो वो कल्याण चंद चतुर्थ थे, जो कि राजा प्रदीप शाह के शरण में गए थे। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम आपको डिटेल में नोट्स भेज देंगे, नोट्स डाल देंगे इसमें, अगर आप लोग कहेंगे तो उसमें आपको जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कई लोगों ने कहा था कि आप यहाँ पे विस्तार में बताइए, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन आगे पीछे है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, अपनी शुरुआत से चंद वंश शुरुआत से क्या करेंगे हम, उत्तराखंड का इतिहास से प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करके और अंतिम गोरखा शासन तक हम अपने नोट्स डाल देंगे, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। वो हमारे पीसीएस लेवल के नोट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको इस तरह से ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस चंद शासक को हेलमेंटन ने गुंगा शासक कहा था? तो वो दीप चंद थे, जिसको इन्होंने गुंगा शासक कहा था। नेक्स्ट यहाँ पे, किस चंद राजा की मृत्यु कैद खाने में हुई थी? तो वो दीप चंद थे, ऐसा कहा था कि दीप चंद को इनके जो पुत्र थे उन्होंने क्या किया था, अपने जो वो थे मंत्री इनके उस बहकावे में आकर के और इनको क्या कर रहा था, इनको कैद खाने में डाल था, जहाँ पर दीप चंद की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे, किस चंद शासक ने नागा बाबाओं की फौज तैयार की तथा प्रद्युमन शाह पर आक्रमण किया था? तो देखिए, जो जब प्रद्युमन शाह ने मोहन चंद पर आक्रमण किया तो मोहन चंद हार गए थे। इसके बाद मोहन चंद जो होते हैं वो प्रयाग में जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, नागा बाबा और जो इनके महंत होते हैं इनको क्या करते हैं कि लाभ देकर के, धन का लाभ देकर के बुलाते हैं और बद्रीनाथ की यात्रा के बहाने यहाँ बुलाते हैं और प्रद्युमन शाह पर आक्रमण करते हैं, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं हो पाते हैं और इनकी सेना हार जाती है, तो वो मोहन चंद ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा चंद शासक इतना शांत स्वभाव का था कि उसे मिट्टी का महादेव कहा जाता था? तो वो शिव चंद थे, जो इतने शांत स्वभाव के थे कि उनको मिट्टी का महादेव कहा गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद वंश का जो अंतिम शासक था वो महेंद्र चंद था। नेक्स्ट यहाँ पे किस चंद शासक के समय गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया? तो वो महेंद्र चंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस चंद शासक के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया है? तो जो कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया है वो जगत चंद के शासनकाल को कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे किस चंद शासक की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, तो उसकी वजह से किसकी मौत हुई थी? वो हुई थी जगत चंद की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वह कौन सा चंद शासक था जो अपने को कुमाऊं का विक्रमादित्य समझता था? तो देखिए दोस्तों, वो देवी चंद था, क्योंकि जो यहाँ के मंत्री थे, मंत्रियों ने देवी चंद को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा दिया था और इतनी ज्यादा तारीफें कर दी थी, कहते थे कि आप विक्रमादित्य की तरह हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देवी चंद का उन्होंने पूरा धन भी लुटवा दिया था। तो देवी चंद जो है वो अपने आप को कुमाऊं का विक्रमादित्य समझता था। नेक्स्ट यहाँ पे चंद शासन में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या था? तो जो चंद शासन में जो युद्ध के समय जो लिया जाने वाला कर था उसको मांगा कहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे चंद शासन में सेना के लिए लिया गया कर क्या कहलाता था? तो जो सेना के लिए जो लिया गया कर था उसको हम कटक कहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे चंद शासन में वह कौन सा कर था जो कुली बेगार के रूप में लिया जाता था? जो कुली बेगार के रूप में लिया जाता था उसको खेनी कपलिनी कहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे चंद शासन में वह कौन सा कर था जो अनाज के रूप में लिया जाता था? तो वो बैकर था, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जो अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था उसको हम बैकर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चंद शासन में वह कौन सा कर था जो भावर व भोटिया व्यापारियों से नगद वसूला जाता था? तो उसको सिरती कहते थे। जो भोटिया व्यापारी आते थे उनसे जो नगद कर वसूला जाता था उसको सिरती कहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे चंद शासन में घराटों पर लगाने जाने वाला जो कर था उसे क्या कहते थे? देखिए दोस्तों, जो घराट होते थे आजकल तो जो आटे पिस जो गेहूं जो पिसाने जाते हैं तो वो चक्कियों में आते थे, लेकिन अगर आप आज भी गांव में जाओ तो आप घराट दिखाई देंगे। तो वहां पे क्या होता था कि गेहूं को पीसने का काम किया जाता था, तो उस पर भी क्या किया जाता था? कर लगाया गया था चंद शासन में, शासन काल के दौरान। तो उसको किस नाम से लिया जाता था? भाग नाम से लिया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे चंद शासन में राजा ने कुत्तों के लिए देय कर कौन सा था? तो देखिए दोस्तों, जो चंद शासक के जो राजा थे और जो उनके जो कुत्ते थे उसके लिए भी इन्होंने कर लगाया था, और वो था कुकरियाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चंद शासन में वह कौन सा कर था जो रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय वसूला जाता था? तो जो चंद शासन है, देखिए इसमें चंद शासन में बहुत सारे कर थे, और इनमें अगर हम बात करें रक्षाबंधन और जो जनेऊ संस्कार है, इस समय जो लिया जाने वाला जो कर था उसको राखिया कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस चंद शासक की सेना पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी? तो वो दीपचंद की जो सेना थी वो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, इसमें जो मराठों के विरुद्ध जो लड़ी थी वो किसकी सेना थी? वो दीपचंद की सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अल्मोड़ा में दीपचंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो वो दीपचंद ने ही करवाया था, ठीक है। बाद में इन्हीं के मंदिर में गोरखाओं ने जो है वो नंदा देवी की मूर्ति रखी। नेक्स्ट यहाँ पे किस चंद शासक ने प्रयाग जाकर नागा साधुओं और उनके महंतों को भारी धन का लालच देकर बद्रीनाथ यात्रा के बहाने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था? तो वो थे मोहन चंद। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किस चंद शासक के समय मुस्लिम सेना आई और युद्ध में मारे गए जिनसे कंगाल आज भी रूपकुंड में देखने को मिलते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये जो है वो मुस्लिम सेना आई थी और ऐसा कहा था कि उन्होंने गढ़वाल पर, या कुछ कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि उन्होंने गोरखाओं से आज युद्ध लड़ा था। और ये जो मुस्लिम सेना थी इसमें काफी हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े जो सेना थे, और इन्होंने यहाँ पर युद्ध किया था जिसके अवशेष आज भी रूपकुंड में देखने को मिलते हैं। क्योंकि आपने रूपकुंड की जब कहानी सुनी होगी तो उसके बहुत सारे कहानियां हैं, तो उसमें से एक कहानी इसको भी जोड़कर लिया जाता है। कहा जाता है कि चंद वंश का जो शासक था बाज बहादुर चंद, इसी के समय मुस्लिम सेना आई थी और यहाँ पे युद्ध हुआ था जिसमें मुस्लिम सेना मारी गई थी, जिसके कंगाल आज भी आपको रूपकुंड में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने उत्तराखंड के इतिहास से चंद वंश के 150 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट वन या पार्ट टू सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज हमारे पार्ट वन और पार्ट टू सीरीज देख लें। और इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।